टर्मिनल एक की छत गिरने की घटना के बाद अगले आदेश तक सभी उड़ानें निलंबित, केस दर्ज, जांच टीम गठित। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल एक की छत गिरने की घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 8 घायल हैं। घटना के बाद दिल्ली हवाई अड्डे के संचालक दयाल ने एहतियातन टर्मिनल एक से सभी उड़ानों को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया है। दिल्ली में भारी बारिश के बीच उपराज्यपाल ने की इमरजेंसी मीटिंग, अधिकारियों की छुट्टियां रद्द। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश के बाद स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को एक आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित करने तथा जलभराव की समस्या के समाधान के लिए पंप लगाने का निर्देश दिया। गुजरात के कच्छ में लगे भूकंप के तेज झटके, 3.4 मापी गई तीव्रता। गुजरात के कच्छ में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई। फिलहाल किसी भी जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। विक्रम मिश्री भारत के नए विदेश सचिव होंगे, विनय क्वात्रा की लेंगे जगह। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए विक्रम मिश्री को शुक्रवार को अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया। 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी मिश्री को 15 जुलाई से इस पद पर नियुक्त किया गया है। वे विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे, जिन्हें इस साल मार्च में 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया था। जियो ने दिया एक और बड़ा झटका, 2 सस्ते रिचार्ज प्लान किए रिमूव। अब आपका मोबाइल फोन बिल बढ़ना तय है, क्योंकि रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने टैरिफ में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की घोषणा की है। जियो ने गुरुवार को 12-25% बढ़ोतरी का खुलासा किया, जिसके बाद शुक्रवार को एयरटेल ने कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की। ये 2021 के बाद से किसी टेलीकॉम कंपनी द्वारा दरों में पहली बड़ी वृद्धि है, जिसका उद्देश्य 5G सेवाओं में उच्च निवेश के कारण प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व ARPU को बढ़ावा देना है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री बोले, दिल्ली में जलभराव का कारण नालों में जमा पॉलिथीन है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में शुक्रवार सुबह भारी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति के लिए नालों में जमा प्लास्टिक कचरे को जिम्मेदार ठहराया और दिल्ली सरकार पर इस मुद्दे पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। टाटा समूह देश का सबसे बड़ा ब्रांड, इंफोसिस दूसरे, HDFC तीसरे स्थान पर। टाटा समूह ने भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है, जबकि इंफोसिस और HDFC समूह को ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। ब्रांड मूल्यांकन सलाहकार ब्रांड फाइनेंस की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक विविध कारोबार क्षेत्रों में सक्रिय टाटा समूह का ब्रांड मूल्य 9% की वृद्धि के साथ $28.6 अरब हो गया है। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद पिछला बाजार सेंसेक्स 210 अंक गिरकर 79,032 के स्तर पर बंद। शेयर बाजार ने आज यानी 28 जून को लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई बनाया है। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 79,671 और निफ्टी ने 24,174 का हाई बनाया। हालांकि बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 210 अंकों की गिरावट के साथ 79,032 के स्तर पर, वहीं निफ्टी 33 अंक टूटा, ये 24,010 के स्तर पर बंद हुआ।